हेलो फ्रेंड्स, ऋषि वानवस्तु भी हम कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे एक रेसिपी लेकर के आई हूँ जिसके लिए मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें ढेर सारा बटर डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है, देन उसके बाद थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दिया हमने, और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके उसको अच्छे से भून लेंगे इस तरीके से चलाते हुए। भूनने के बाद हमने 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए लिए हैं, उसको डाल के अच्छे से भून लेंगे। फिर यहाँ पे एक शिमला मिर्च है, उसको बारीक हमने काट लिया है। फिर एक टमाटर लिया है, टमाटर महंगे हैं ना, उसके हिसाब से हमने एक ही टमाटर लिया, नहीं तो इसमें और भी टमाटर ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे सब डाल करके भून लेंगे। देन उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया हमने। फिर उसके बाद थोड़ा सा बटर डाल देंगे टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए। डाल करके उसको अच्छे से इस तरीके से चला लेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। फिर यहाँ पे ये देखिए, भाजी के लिए हमने सारी सब्जियाँ पहले ही बॉयल कर ली थी। कुकर में हमने आलू, मटर, गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और भी अपने हिसाब से आप सब्जियाँ ऐड करके बॉयल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया था, उसको डाल के हमने बॉयल कर लिया अच्छे से। अभी इधर देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो उसमें थोड़ा सा हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया कलर के लिए, थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा लगेगा। फिर जो हमने सब्जी बॉयल करके रखी थी उसको इस कढ़ाई में डाल के अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे से हल्के हाथों से चलाते हुए मिक्स करेंगे, और अगर लास्ट में थोड़ा सा बच जाए तो उसको पोटैटो मैशर की सहायता से मिक्स कर दे अच्छे से। फिर यहाँ पे हमने पाव भाजी मसाला ऐड कर दिया है, 2 से 3 बड़े चम्मच, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मसाला कर सकते हैं। इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से चलाते हुए मिक्स हो जाए तो हम थोड़ा सा इसमें गर्म पानी यूज़ करेंगे। गर्म पानी डालने से क्या होगा, ग्रेवी अलग से नहीं दिखेगी, और अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा ग्रेवी कर सकते हैं, गाढ़ा भी पतला भी, आप अपने हिसाब से पानी डालें। इसमें देखिए इस तरीके से थोड़ा देर पकाएंगे, उसको ढक देंगे। देखिए यहाँ पे हमने ढक दिया है। ये देखिए हमारा बिल्कुल भी पाव भाजी एकदम टेस्टी टेस्टी तैयार हो गया है, जिसको हमने पनीर, पाव भाजी मसाला और धनिया से गार्निशिंग कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम पाव को रोस्ट करेंगे, उसके लिए हमने बटर डाला, उसमें धनिया पत्ता डाल दिया, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाले, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ब्रेड का। देखिए इस तरीके से खाने में भी आप लोगों को बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से, आप देखें तो बहुत सारा होंगे। ये सिंपल तरीके से पाव भाजी एक बार बहुत टेस्टी बना करके जरूर ट्राई करिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जितना हो सके इस वीडियो को लोगों तक जरूर से जरूर शेयर करिएगा। यहाँ पे देखिए हमने पाव को बीच से कट कर लिया है, उसको इस तरीके से तवे पे रख करके हल्के आँच पे, धीमे आँच पे इसको रोस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से सेक लेंगे, उलटते पलटते हुए दोनों साइड से सेक लें, जिससे दोनों तरफ क्रंची हो जाए और टेस्ट दोनों तरफ ही आ जाए अच्छे से। देखिए इसमें पाव भाजी का मसाला जरूर डालें, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। एक बार इस तरीके से बना के जरूर से जरूर ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर से जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को थैंक यू कर सकूं। चलते हैं अब सर्व की तरफ। यहाँ पे मैंने पाव को प्लेट में निकाल लिया है, अब दूसरे कटोरी में हमने भाजी निकाल ली है, जिसको ऊपर से थोड़ा सा बटर के साथ, आप अपने हिसाब से बटर और भी ऐड कर सकते हैं, बटर, प्याज और पनीर के साथ हमने सर्व किया है, जिसके साथ यम्मी सी हमने मखाना की खीर बनाई थी, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पे जा चुकी है। अगर नहीं देखी है आपने तो जरूर से ज़रूर देखें जा करके, बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी, और ये पाव और भाजी भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। एक बार इसे बना के खा के जरूर से ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइस, खाए पिए मस्त रहें।